एलोरा गुफा भारत के महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में स्थित यूनेस्को की एक विश्व विरासत स्थल है। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद के उत्तर पश्चिम में लगभग 29 किलोमीटर और मुंबई से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गुफाएं दुनिया के सबसे बड़े रॉक कट मठ मंदिर गुफा परिसरों में से एक है, जिसमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित स्मारकों की विशेषता और कलाकृति देखने को मिलती है। यहाँ की गुफा 16 की अलग विशेषता है और यह दुनिया भर में सबसे बड़ी एकल अखंड रॉक खुदाई कैलाश मंदिर शिव को समर्पित एक रथ के आकार के स्मारक के लिए जानी जाती है। एलोरा गुफा में कैलाश मंदिर की खुदाई में वैष्णववाद, शक्तिवाद के अलावा दो प्रमुख हिंदू महाकाव्यों का सारांश देने वाले राहत पैनल के साथ साथ देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं को प्रदर्शित करने वाली मूर्तियां स्थित है। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में 100 से अधिक गुफाएं हैं और सभी गुफाओं में चरणानंदी पहाड़ियों पर बेसाल्ट की चट्टानों की खुदाई की जाती है। इनमें से 34 गुफाएं सार्वजनिक रूप से पर्यटकों के लिए खुली हुई है। इन गुफाओं में 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित और 30 से 34 तक की गुफाएं जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करती है। एलोरा के सभी गुफाओं और स्मारकों का निर्माण हिंदू राजवंशों जैसे राष्ट्रकूट वंश के समय के दौरान हुआ था, जिन्होंने हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाओं को बनाया था। यादव वंश के द्वारा जैन धर्म से संबंधित यहाँ की कई गुफाओं का निर्माण किया गया था। इन स्मारकों के निर्माण के लिए धन को यहाँ के कई व्यापारियों और क्षेत्र के अमीरों व्यक्तियों से प्राप्त किया गया था। एलोरा की गुफाएं मठों, मंदिरों और तीर्थ यात्रियों के लिए शानदार विश्राम स्थल के रूप में भी जानी जाती है। एलोरा के नजदीक में ही विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफा भी है, जो कि महाराष्ट्र की प्रसिद्धि को और अधिक बढ़ा देती है। एलोरा की गुफाएं प्राचीन गुफाओं और मंदिरों से परिपूर्ण स्थान है। एलोरा की गुफाओं में घूमने वाली कई जगह है। एलोरा की गुफाओं में दर्शनीय कैलाश मंदिर एलोरा बस स्टैंड से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह महाराष्ट्र में सबसे बड़ा रॉक कट प्राचीन हिंदू मंदिर है और इसे चट्टानों को काटकर बनाया गया है। वास्तुशिल्प डिजाइन द्वारा निर्मित यह मंदिर एलोरा केव्स का अद्भुत आकर्षण है। कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो कि यहाँ की 34 गुफाओं में से 16वीं गुफा में स्थित है। कैलाश मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण के द्वारा किया गया था। एलोरा गुफा में घूमने की जगह रावण की खाई यहाँ से प्रसिद्ध कैलाश मंदिर से 350 मीटर की दूरी पर, एलोरा गुफाओं के बस स्टैंड से 400 मीटर की दूरी पर गुफा 14 में है, जो कि गुफा 12 के नजदीक ही स्थित है। गुफा संख्या 13 से 29 में हिंदू धर्म से संबंधित सभी 17 गुफाएं हैं। यह गुफाएं हिंदू धर्म ग्रंथों को प्रदर्शित करती है। गुफा 14, 15, 16, 21 और 29 कैलाश मंदिर के चारों तरफ फैली हुई है। रावण के रूप में जाने जाने वाले गुफा 14 सातवीं शताब्दी के दौरान इसे बौद्ध विहार से परिवर्तित किया गया था। एलोरा के प्रसिद्ध गुफाओं में शामिल विश्वकर्मा गुफा बस स्टॉप से 600 मीटर और कैलाश मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। एलोरा में घूमने वाली जगहों में गुफा संख्या 12, जिसे तीन ताल नाम से भी जाना जाता है, यह एलोरा या पूरे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मठ परिसर है। इसमें एक 118 फीट लंबा और 34 फीट चौड़ाई वाला एक विशाल हॉल है। पहली मंजिल की ओर की दीवारों पर नवमी कक्ष व्यवस्थित है। इसके हॉल को 8 वर्ग खम्भों की पंक्तियों के रूप में 3 गलियारों में विभाजित किया गया है। यह गुफा अग्यार के पास स्थित है।